मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच आईपीएल 2024 में मैच नंबर 25 खेला गया था और यह मैच मुंबई इंडियंस की टीम ने 7 विकेटों से जीत लिया है। इस मैच की डिटेल मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं, तो आप वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करें पहले बैटिंग की, तो बैटिंग करने उतरी आरसीबी की टीम, जिसमें विराट कोहली 3 रन बनाकर ही आउट हो गए। फैफ डुप्लेसी ने 61 रन की अच्छी पारी खेली। विल जैक्स 8 रन बनाकर ही आउट हो गए। रजत पाटीदार ने अर्धशतक लगाया। मैक्सवेल शून्य पर चलते बने और दिनेश कार्तिक ने अच्छी फिनिशिंग करते हुए अर्धशतक लगाया। लोमरोर पहली गेंद पर आउट हुए तो सौरव चौहान 9 रन बनाकर और विशंक विजय कुमार भी 0 रन बनाकर आउट हुए, तो साकदीप ने 2 रन बनाए। यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने बहुत ही अच्छी तेज तरार पारी खेलकर आरसीबी का स्कोर एक अच्छा स्कोर तक पहुँचाया। बात करें बॉलिंग की मुंबई इंडियंस की, तो उसमें मोहम्मद नबी ने 1 ओवर डाला, 7 रन दिए, कोई विकेट नहीं। जेराल्ड कोटजे ने 4 ओवर डाले, 42 रन देकर 1 विकेट। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवरों में 21 रन देकर 5 विकेट। आकाश मंदवाल ने 4 ओवरों में 57 रन देकर 1 विकेट। सुरेश गोपाल ने 4 ओवरों में 32 रन देकर 1 विकेट। रोमारियो शेफर्ड और हार्दिक पांड्या को कोई विकेट नहीं मिली। बात करें अब मुंबई इंडियंस की बैटिंग की, तो रोहित शर्मा और ईशान किशन ओपनिंग के लिए आए थे और उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी। ईशान किशन ने 34 गेंदों में 69 और वहीं रोहित शर्मा ने 24 गेंदों में 38 रन की एक अच्छी पारी खेली। सूर्य कुमार यादव भी कल अच्छी फॉर्म में दिखाई दिए और 19 गेंदों में 52 रन की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 6 गेंदों में 21 रन की तेज पारी खेली और तिलक वर्मा 10 गेंदों में 16 रन बनाकर अपनी टीम को जीत दिलाई और 7 विकेटों से यह मैच मुंबई इंडियंस की टीम जीत गई। बात करें आरसीबी की बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो उसमें रिच प्रोबले ने 3 ओवरों में 34 रन देकर कोई विकेट नहीं। मोहम्मद सिराज 3 ओवरों में 37 रन देकर कोई विकेट नहीं। आकाशदीप 3.3 ओवरों में 55 रन देकर 1 विकेट। ग्लेन मैक्सवेल 1 ओवर में 17 रन देकर कोई विकेट नहीं। विजय कुमार 3 ओवरों में 32 रन देकर 1 विकेट। विल जैक्स 2 ओवरों में 24 रन देकर 1 विकेट। तो ये थी सारी मैच की डिटेल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।